टिड्डी दल का आतंक अब देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच गया है। टिड्डी दल गुरुग्राम फरीदाबाद होते हुए अब दिल्ली में प्रवेश कर गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक आपात बैठक के बाद बताया कि टिड्डियों की छोटी टुकड़ी दिल्ली के बॉर्डर पर जसोला घाटी में घुसाई है। उन्होंने कहा कि हमने वन विभाग को ढोल और डीजे बजाने और केमिकल छिड़काव करने का आदेश दिया है। दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी पश्चिमी जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके पहले गुड़गांव के सेक्टर 5 इलाके में टिड्डियों के दल को देखा गया। महात्मा गांधी रोड, दौलताबाद फ्लाईओवर के पास भी ये भारी संख्या में नजर आए। अलग अलग समूहों में टिड्डियों का दल गुड़गांव और फरीदाबाद में देखा गया, जिससे यहां के किसान काफी परेशान हुए। लोग सायरन, हॉर्न, ढोल बजाकर इन्हें भगाने की कोशिश करते नजर आए। कई किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए थाली चम्मच लेकर खेतों की ओर दौड़ते देखे गए। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये टिड्डी दल हवा के साथ चलते हैं। हवा का रुख जिस ओर होता है, ये दल वहां के पेड़ पौधों और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि चीन हमारी सीमा में 18 किलोमीटर तक अंदर कैसे घुसाया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर सवाल खड़े किए, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत में कोई घुसपैठ नहीं की है। एक यहाँ जगह है बुत से ओपी, ये बाई तरफ देख रहे हो, बुत से ओपी बाई तरफ, हाँ ये, यहाँ से हमारे जो जवान थे ये ऊपर जाते थे और बॉटल नेक जंक्शन पे पहुंचते थे, जो हमारे हाथ में थे, हमारे कब्जे में थे, और बॉटल नेक जंक्शन से नीचे जाते थे। अब जरा मैप और करो, बाई तरफ करो, नीचे जाते थे इंडियन पेट्रोल पोस्ट रूट 13, फिर नीचे जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर यहां से 13 पे आके ऊपर चलो लाइन ऑफ पेट्रोल, फिर ऊपर चलो नंबर 12 पे, फिर ऊपर चलो 11A पे, फिर ऊपर चलो 11 पे, फिर ऊपर चलो PP10 पे, दैट इज पेट्रोल पॉइंट 10, ये सारे पेट्रोल पॉइंट हैं। अब क्योंकि बॉटल नेक वाई जंक्शन पे चीनियों ने कब्जा कर रखा है, हम अपने पेट्रोल पॉइंट्स पे पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पहुंचेंगे तो उनके रास्ते में वो पड़ेंगे, और आज के दिन हमारा कोई एक्सेस नहीं रहा। तो मैं चौकीदार से पूछना चाहता हूं कि ये कैसे हुआ, ये चौकीदारी कौन कर रहा था या कौन नहीं कर रहा था। सो चाइना हैज नाउ इंट्रूडेड इनटू द ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी इन देपसान प्लेन्स अप टू वाई जंक्शन 18 किलोमीटर्स इनटू इंडियन टेरिटरी अक्रॉस द LAC। देश में कोरोना वायरस के मामले 5 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं, लेकिन लगभग 3 लाख लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। COVID-19 पर मंत्रियों के समूह की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत का रिकवरी रेट 58% के ऊपर जा चुका है और लगभग 3 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारी मृत्यु दर भी 3% के आसपास है, जो काफी कम है। उन्होंने कहा कि कोरोना का डबलिंग रेट अब 19 दिन हो चुका है, जो पहले 3 दिन था। देश में हमारा रिकवरी रेट 58% से भी ऊपर हो गया है और लगभग 5 लाख के करीब जो अब तक कोविड से भारत में मरीज प्रभावित हुए हैं, इसमें से लगभग 3 लाख मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं और जो बचे हुए मरीज हैं उनमें से भी अधिकांश रोड टू रिकवरी पर हैं। आने वाले समय में वो घर वापस लौटेंगे। हमारा सारे दुनिया में अभी भी जो मोर्टैलिटी फैटैलिटी रेट है वो 3% के करीब है, जो सबसे कम है। हमारा जो ये लॉकडाउन के पहले जो डबलिंग रेट 3 दिन के करीब था, आज वो डबलिंग रेट 19 दिन के आसपास है।
देश में रोज बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। इसी सिलसिले में शनिवार को चंडीगढ़ में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने कार की अर्थी निकालकर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहने हुए थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में हुए प्रदर्शन में कार का जनाजा निकाला गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद रोजाना तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। डीजल के दामों में तो रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। कोरोना के चलते हुए, महामारी के चलते हुए ये दूसरी विपत्ति जो है हम लोगों के ऊपर डाल दी है। इतना 80 पार डीजल हो गया, उसको लेके ये चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की तरफ से आज प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा ये देखिए कि ये आज कार की अर्थी निकाल के जगह जगह पूरे देश में कार की अर्थियां निकलेंगी और आप ये देखिए कि कारों के लिए भी एक कब्रिस्तान बनाना पड़ जाएगा।